नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए। दोस्तों मध्य प्रदेश में RTE के तहत यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर अगर आपके पास BPL कार्ड धारक हो या फिर गरीबी रेखा की श्रेणी से नीचे आते हो या फिर गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हो तो यहाँ पर आप अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक की क्लासों में यहाँ पर फ्री एडमिशन करवा सकोगे किसी भी प्राइवेट स्कूल में बड़ी ही आसानी से। क्या प्रोसेस रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म की पूरी डिटेल बताएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सर्च कर देना है RTE पोर्टल। यहाँ पर आप जैसे ही RTE पोर्टल लिखकर सर्च करोगे, दोस्तों RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, और यहाँ पर ये जो पोर्टल है वो एजुकेशन पोर्टल है। यहाँ पर इस पोर्टल की मदद से आप अपने बच्चों का नर्सरी से लेके कक्षा फर्स्ट तक की क्लास में यहाँ पर किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन करा सकोगे। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है लॉटरी की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर सिंपली आपको एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हो तो यहाँ पर आप आसानी से आवेदन कर सकोगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का पोर्टल रहेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ऊपर की तरफ देखिए RTE एडमिशन लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका एक ऐप्स भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा RTE ऐप के नाम से, जिसे आप डाउनलोड करने के बाद इसी के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो पॉपअप विंडो आ रहा है उसे हम क्लोज किए देते हैं और यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसे भी क्लोज किए देते हैं। जैसे यहाँ पर हम RTE एडमिशन के कॉलम पर क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। यहाँ पर देखिए कुछ लिंकें दी गई हैं, जैसे कि तीन बॉक्स दिए गए हैं। पहला बॉक्स आपका पालक का है, दूसरा स्कूल का है, तीसरा आपका आवेदन प्रक्रिया का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक डिटेल बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आवेदन की प्रक्रिया में जो आपको नीचे की तरफ दूसरे नंबर पर आवेदन पंजीयन दिख रहा है, यहाँ से सिंपली आपको पंजीयन करना होगा, ठीक है ना। पंजीयन करने के दौरान आपको अपने बच्चे जिसका भी एडमिशन करवाना चाहते हो उसके जन्म प्रमाण के आधार पर और यहाँ पर समग्र ID के आधार पर यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। साथ ही साथ डिटेल फिलअप करने के बाद बच्चे का एक फोटो और यहाँ पर BPL कार्ड अपलोड करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने चयन करना है मिनिमम 3 स्कूल का चयन कर सकते हो। आपको यहाँ पर लिस्ट में एक चॉइस फिलिंग टाइप की जाती है यहाँ पर आवेदन करने के दौरान, तो वहां पर मिनिमम 3 स्कूल भरने हैं, मैक्सिमम 10 स्कूल तक भर सकते हो, ठीक ना। और उन स्कूलों का अलग एक कोड रहेगा, कोड यहाँ पर आपको ग्राम वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीट यहाँ से देखना होगा उस स्कूल के कोड को, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर आप उन्हीं स्कूलों का कोड भर सकोगे जो कि आपके वार्ड के अंतर्गत आते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप रहते किसी वार्ड में हो और आप किसी अदर वार्ड के स्कूल को यहाँ पर भर दो, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप जिस वार्ड के निवासी हो उसी वार्ड में जो जो आपके स्कूल आते होंगे उन्हीं स्कूलों को भरना होगा। और सर्च करने के लिए देखिए यहाँ पर बीच का जो यहाँ पर आपको स्कूल का कोड मिल जाएगा जैसे ही सर्च करोगे, ठीक है ना। इसके बाद आवेदन पंजीयन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या होगा, इसका एक सेट बनाना होगा नजदीकी संकुल गवर्नमेंट स्कूल जहां पर भी इसकी वेरिफिकेशन हो रहे हो वहां से वेरिफिकेशन कराना है और आगामी डेट तक प्रतीक्षा करनी है जब तक आपका आवंटन नहीं आ जाता। जैसे ही आवंटन आ जाता है तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट में ऑप्शन दिया गया आवंटन पत्र डाउनलोड करें, तो यहाँ से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर पत्र डाउनलोड कर लेना है और इस पत्र को ले जाकर जिस भी स्कूल में नाम आया हो उस स्कूल में सबमिट कर देना है, तो वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर हर कक्षा के लिए एक निर्धारित एज डिक्लेयर की गई है, तो यहाँ पर उस नियम पुस्तिका के अनुसार ही यहाँ पर आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। रूल बुक के हिसाब से उम्र ना ज्यादा हो ना कम हो, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यही सब प्रक्रिया है यहाँ पर रहने वाली, तो आप आवेदन कर सकोगे। और आवेदन करने की प्रक्रिया भी पिछले वर्ष की तरह ही यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपने पिछले वर्ष भरा होगा फॉर्म तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपने पिछले वर्ष भरा था। और अगर यहाँ पर आप आवेदन करना चाहो तो सिंपली यहाँ पर देखिए आवेदन पंजीयन के ऑप्शन पर सिंपली
सिंपली क्लिक करें। यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना होगा, और जिससे पहले यहाँ पर सिंपली आपको आगे बढ़े और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिए गए उसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दो बार टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कैप्चर और मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करें के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल्ड कर दीजिएगा। फिल्ड करने के बाद सिंपली आपको आगे की प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपने बच्चे का फॉर्म कंप्लीटली भर सकोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आईटीई की यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को किस तरीके से एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना है आपको समझ आ चुका होगा।